वेलकम बैक टू आवर चैनल फैब मिंगना। तो आज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बेयर फेस है, सिर्फ मैंने आईब्रोज बनाया है एंड लिटिल बिट मस्कारा लगाया है। द रीजन इज एंड यस प्राइमर लगाया है, ओके, एंड मॉइस्चराइजर भी लगाया है। तो दो चीजों की मैं रिव्यू करने वाली हूँ, ये दो चीजें। एक तो है आपका ये स्पेशल बैग शुगर कॉस्मेटिक्स में मिल रही है, लाइक कुछ दिनों के लिए ऑफर चल रही है। एंड मुझे एक्चुअली प्रोडक्ट से ज़्यादा ये ब्लिंगी बैग पसंद आया था। ये काफ़ी बड़ा बैग है एंड इसमें जो प्रोडक्ट्स है टोटल 1499 रुपीज़ की प्रोडक्ट्स है। एंड एक्चुअली ये बैग कुछ 2000 समथिंग में ये प्रोडक्ट्स के प्राइस है, लाइक 500 डिस्काउंट देकर प्रोडक्ट्स मिल रही थी। एंड साथ में एक लिपस्टिक, मेटल लिपस्टिक भी फ्री में मिला है, जो शुगर के ऑफर नॉर्मल चलती है ऑनलाइन में। एंड उसके साथ मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये जो आप देख रहे हो, रियल टेक्निक्स की ब्रश एंड स्पंज सेट। लेकिन ये ओरिजिनल वाला नहीं है, ये डेफिनेटली फेक वाला ही है, क्योंकि मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया है एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 811 रुपीज़। लेकिन इसका ना प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है, बट विद इन लाइक 900, लाइक 1000 रुपीज़ से कम ही आपको मिल जाएगा। तो ये इसी ब्रश से मैं अपना ये मेकअप कंप्लीट करूँगी, जो शुगर कॉस्मेटिक्स में जो प्रोडक्ट्स मुझे मिला है। एंड मैं इसको रियल टेक्निक वाला आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से बक्सा में आपको मिलने वाली है, भीतर आपको एक स्पंज मिलने वाला है। लाइक स्पंज का क्वालिटी कितना अच्छा है मुझे पता नहीं, आप लोगों के सामने मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं इसको पानी में डुबा रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी मुझे लगता है मतलब सॉफ्ट है। तो स्पंज गया पानी के अंदर। एंड इसके बाद मिल रही है ये काफ़ी बड़ा फ्लफी ब्रश। तो इस ब्रश को ना लाइक दो तीन तरीके से मैं यूज़ कर सकती हूँ, लाइक पाउडर अप्लाई करने के लिए, फिर इसको ब्लशर अप्लाई करने के लिए, कॉन्टूरिंग या ब्रॉन्जिंग कह सकते हो उसको। तो मल्टीपर्पज़ ये ब्रश है, काफ़ी अच्छा है। ब्रश का साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। एंड ये जो ऊपर जो मतलब ब्रिसल्स है काफ़ी सॉफ्ट मुझे लग रहा है। इसके पहले भी मैंने रियल टेक्निक फेक वाला ब्रश लिया था, फ्रॉम द फ्लिपकार्ट से लिया था, येस, एंड आई बीन यूजिंग दैट। मैं उसका एक ब्रश आपको दिखाती हूँ। इस सेट में ये नहीं था, वो दूसरे आई शैड मतलब आई मेकअप करने के लिए सेट मैंने लिया था। एंड इसे लाइक मोर देन 6-7 मंथ्स हो गया है, मैं इसे रोज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं सिमसिम के लिए ऑलमोस्ट एवरीडे काम कर रही हूँ, ऑलमोस्ट एवरीडे वीडियो बना रही हूँ। तो इसे रोज़ ही मैं धोती हूँ, अभी तक ये मतलब ज़िंदा है, ये ब्रश कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये ब्रश भी मतलब ज़िंदा रहने वाला है कम से कम 1-2 साल तक। तो देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है आज। एंड इसके बाद एक और आपको ब्रश मिलने वाला है, दिस इज़ द अनदर ब्रश, ओके। तो ये कुछ इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे ऊपर ना कुछ ब्रिसल्स अनइवन मुझे दिख रहा है। एनीवे, बट ये ब्रश आप आई शेडो लगा सकते हो, ओके, एंड थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग भी कर सकते हो, काफ़ी मतलब फ्लफी है। एंड इससे आप अपना हाइलाइटर लगा सकते हो। मेनली मैंने सोचा कि मैं इसे हाइलाइटर ब्रश के हिसाब से यूज़ करूँगी। इसके बाद आपको और एक ब्रश मिल रही है एंड वो है ये छोटा वाला। अगेन इसे आप आई लुक क्रिएट कर सकते हो, अगेन आप प्रिसाइसली हाइलाइटर लगा सकते हो। एंड लास्ट वाला जो ब्रश है ये कुछ इस तरह से है, मतलब ऊपर फ्लैट टाइप का है। तो इससे डेफिनेटली आप अपना फाउंडेशन को या फिर कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी आज सारे ब्रश को यूज़ करने के लिए, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि ये फेक वाला मतलब कितना अच्छा है, कितना घटिया है, कितना बुरा है, तो या फिर एवरेज है, तो आप लोग भी खरीद सकते हो। एंड शुगर कॉस्मेटिक्स के जो बैग है, सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ ये ब्लिंगी वाला ब्लैक, कितना अच्छा बढ़िया कलर है, पिंक कलर है। एंड भीतर आपको जो चीज़ें मिलने वाली है वो है एक मास्क। देखते हैं मास्क का साइज़ क्या है, मैंने कोई प्रोडक्ट खोला नहीं, बस शुगर का बॉक्स ही मैंने खोला है, बिकॉज आई नीड टू सैनिटाइज एवरीथिंग एंड फिर धूप में मैंने रखा है। तो ये ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है, रूल द वर्ल्ड बट विथ वन हैंड डिस्टेंस, अच्छा है। तो ओके,
ये इसका साइज काफी अच्छा है, ओके, तो ये अच्छी चीज है। इसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेगी तो शीट मार्क्स में, तो मैंने ये वाला ऑप्शन लिया है, ये है शीट क्लैरिफाइंग मार्क्स, मैंने इसे यूज किया है, काफी अच्छा मास्क है, आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है, आपको फेस प्रोडक्ट मिलने वाली है, लाइक लूज पाउडर, वाइट कलर ट्रांसलूसेंट पाउडर, फिर नॉर्मल लूज पाउडर। तो मैंने जो टिंटेड पाउडर लिया है एंड इन द शेड लाटे 10, दिस वॉज द लाइटेस्ट शेड, एंड क्योंकि मेरे पास शुगर कॉस्मेटिक्स का सब कुछ है लेकिन ये वाला लूज पाउडर नहीं है, बाकी सारे लूज पाउडर्स हैं मेरे पास, प्रेस पाउडर्स है, जितने तरीके के पाउडर्स है शुगर कॉस्मेटिक्स के सारे पाउडर्स हैं, बस ये वाला नहीं था। तो ये लाटे का शेड है लेकिन मुझे ये लग रहा है थोड़ा सा पिंक अंडरटोन ज़्यादा है, लाइक फेस में डालने के बाद मैं देखूँगी। तो इसके साथ आपको इस तरह से ना मतलब स्टिकर मिलने वाली है, एंड जब आप उसको हटाओगे स्टिकर को तो ये पाउडर ये है। तो ठीक है, इससे मैं आप लोगों के सामने यूज़ करने वाली हूँ। तो ये एक प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट नहीं एक्चुअली तीसरा प्रोडक्ट, ओके। देन जो मिलने वाली है वो है ब्लश एंड एक हाइलाइटर। तो मैंने जो ब्लश चूज़ किया है, मेरे पास सैलमन सुपरस्टार या मिनी ब्लश वो है, तो मैंने इस बार लिया है पिंक पिनाकल, एंड पिंक पिनाकल का कलर कुछ इस तरह से आएगा, काफ़ी सुंदर बढ़िया पिंक कलर है, इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। देन हाइलाइटर मेरे पास पूरे शुगर का ग्लो जीनियस हाइलाइटर पैलेट है, लेकिन जो मिनी वर्शन है उसमें मैंने लिया है मेटल मेडल और शेड 03 है, एंड ये एक गोल्ड कलर का है, यूनिवर्सल कलर है, तो इससे मैं अपना आई लुक क्रिएट कर सकती हूँ ब्लशर और इसको लगा के, तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। उसके बाद आपको मिलने वाली है चॉइस मिनी लिपस्टिक की शेड, आई थिंक 4 शेड्स के ऑप्शंस था, एक्चुअली सारे शेड्स मेरे पास है, फिर भी मैंने जो शेड सेलेक्ट किया है वो है ये रेड वाला शेड, एंड इसका नाम है 01 ब्रेजिन रेजिन। ये वाला शेड मुझे काफ़ी पसंद है, लाइक दिस इज एन ऑसम ब्यूटिफुल, लाइक विंटर में ना कोई भी पार्टी या ब्लैक कलर के ड्रेस या वाइट या बेज कलर के ड्रेस पहन के ये वाला लिपस्टिक लगा के जानो लोग आँख के ऊपर ही नजर डालेंगे यार, ओके। एंड द लास्ट वन है आई प्रोडक्ट, एंड उसमें स्ट्रोक ऑफ जीनियस हैवी ड्यूटी खोल एंड ब्लैक मैजिक, या ये खोल मेरे पास पर्पल कलर में है एंड ये ब्लैक कलर में नहीं है, ब्लैक कलर में काजल है बट खोल पेंसिल नहीं था, ये ब्लैक कलर में है, आप देख सकते हो। ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाली है, ये बैग आप देख सकते हो पूरी तरह से खाली हो चुका है मेरा। एंड जो फ्री प्रोडक्ट मुझे मिला है वो है ये शुगर की मेटल लिपस्टिक। जब ये नया लिपस्टिक आया था मैंने कभी नहीं खरीदा, जितने भी मेटल लिपस्टिक्स मेरे पास आज तक है ना, लाइक 6 शेड्स तो हो ही गया है, वो सब फ्री में मुझे मिला। एंड ये है शेड 01 सोफी, एंड इसका कलर देखो पिंक वाला कलर है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, ये सैटिन मेटल का जो है तो बढ़िया शेड है ना, सबके ऊपर मतलब सुंदर लगने वाला है। अब मैं क्या करूँगी इसको ट्राई आउट करने के लिए, ये स्पंज कितना अच्छा है, काम कर रहा है, वैसे ज़्यादा नहीं फुला है, ठीक है देखती हूँ। शुगर के ही 2 कंसीलर है मेरे पास, कंसीलर लगा लेती हूँ एंड देखती हूँ इससे कितना अच्छा ब्लेंड होता है। पर फेस भी कितना कलरफुल है ना, कहीं पे ब्राउन है, कहीं पे पिंक है, कहीं पे ब्लू वेंस है, कलर बॉक्स के जैसा। अब मैं लेती हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, देखती हूँ ये कितना अच्छा काम करता है। ब्लेंडर उतना बुरा नहीं है, ब्लेंडर मतलब अच्छा ही है, उतना सॉफ्ट नहीं है, मैं नहीं कहूँगी इतना सॉफ्ट है क्योंकि मेरे पास कलर बार का जो ब्लेंडर है एंड मिनीसो का जो ब्लेंडर है वो काफ़ी सॉफ्ट है, ये उतना सॉफ्ट नहीं है लेकिन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि
ब्लेंडिंग ठीक तरह से नहीं कर रहा है, काफ कर रहा है, ठीक है ना, ठीक ही है। और ज़्यादा प्रोडक्ट भी इसने नहीं सूखा। ओके, शायद थोड़ी देर और अगर इसको भिगो के रखती ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता, लेकिन अच्छा वाला ही मैं कहूँगी। तो इसके बाद हम देखेंगे टिंटेड पाउडर, शुगर का ये टिंटेड पाउडर, ये कैसा मतलब होता है फेस में लगाने के बाद। तो थोड़ा सा रेडिश ज़्यादा है ये। फाउंडेशन तो मैं नहीं लगा रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं ये फाउंडेशन ब्रश ही ले रही हूँ टिंटेड पाउडर को लगाने के लिए, जस्ट टू सी हाउ दिस ब्रश परफॉर्म्स। ओके, पाउडर में हल्का सा स्मेल है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा स्मेल है। ब्रश काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे कहना पड़ेगा वेरी गुड ब्रश, लाइक बहुत ही सॉफ्ट है। एंड पाउडर का परफॉर्मेंस भी वेरी गुड, लाइक मुझे लगता है थोड़ा सा कवरेज भी मुझे मिल गया। इसके बाद लगाना है मुझे ब्लशर, लेकिन उससे पहले मैं सोचती हूँ कि आई मेकअप थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। तो हम लोग जो ब्लशर लाए हैं ना, उसी से हम आई मेकअप करेंगे, ये जो पिंक पिनाकल है। तो लेट्स सी हाउ दिस ब्लशर वर्क्स, इसी को लेते हैं एंड थोड़ा सा आई में लगा लेते हैं। ओके, ओ गॉड, द ब्लश इज़ क्वाइट पिगमेंटेड। हाँ, ये ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, लाइक थोड़ा सा मैं टच कर रही हूँ, प्रोडक्ट पिगमेंट आ रहा है एंड या इट्स वर्किंग वेरी गुड। आई एम हैप्पी विद बोथ द प्रोडक्ट्स, लाइक दिस इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड एंड डेफिनेटली शुगर का जो ब्लशर है वो भी बहुत ही अच्छा है। नीचे अप्लाई करने के लिए मेरे पास कोई ब्रश नहीं, ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी ब्रश से मैं नीचे थोड़ा सा कलर डालूँ। या दिस ब्रश इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग क्वाइट ग्रेट आई मस्ट से मैन। इसके बाद मैं लगाना चाहती हूँ ये खोल पेंसिल जो इसके साथ ही मिला है, उसको भी लगा लेती हूँ एंड देखती हूँ कैसे ये दिखता है। क्वाइट सॉफ्ट एंड बटर की तरह ग्लाइड हो रहा है द खोल, आई डोंट नो इफ इट इज मच प्रूफ और नॉट। तो यहाँ पे दाग देती हूँ, थोड़ी देर वेट करती हूँ, इसके बाद मैं देखूँगी कि ये वाकई स्मच प्रूफ है कि नहीं। अगेन इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट। नाउ वी हैव द हाइलाइटर, हाइलाइटर हम ऊपर भी लगाएंगे लाइक आईज में, ये वाला जो हाइलाइटर मैंने लिया है, एंड थोड़ा बहुत डेफिनेटली ब्लश एंड हाइलाइटर, लेकिन ब्लशर लगाने से पहले हाइलाइटर को आँखों में हम कंप्लीट करेंगे। इट्स वेरी सटल यू नो ग्लो यू विल हैव, बट इट्स गुड, लाइक सॉफ्ट मेकअप के लिए काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट लाइक मेबेलिन का जो मास्टर क्रोम हाइलाइटर है उसके तरह बिल्कुल भी नहीं है, बट सॉफ्ट, एक बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल लुक आपको देगा। अब ब्लश लगाती हूँ इस ब्रश से। तो ब्रश से तो मैं सभी जो ब्रश मुझे मिला आई एम वेरी हैप्पी एंड लेट्स टेक दिस वन। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक कोई ब्रॉन्जिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो माफ़ कर देना यार। इसके लिए मेरा मुँह थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है, नोज़ भी मेरा फ्लैट है, मुझे पता है, बट आई डोंट माइंड, लाइक दैट्स रियल मी। ओके, इसी से मैं अपना दूसरे साइड से अपना हाइलाइटर लगा लेती हूँ। आई नो द हाइलाइटर इज़ नाइस बिकॉज मेरे पास ग्लो जीनियस का पूरा पैलेट ही है एंड आई नो हाउ शुगर हाइलाइटर इज। एंड लिपस्टिक में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो लिक्विड वाला है, दूसरा है आपका ये मेटल वाला, लेकिन मेरा ये कलर है जाम कलर, इसलिए मैं मेटल वाला ही लगाने वाली हूँ। सो यस, सोफी को मैं लगाने वाली हूँ। Didn't I tell you it's a beautiful shade? बहुत ही अच्छा कलर है सोफी वाला कलर। एंड या द मेकअप इज कम्प्लीट, एक्चुअली आप देख सकते हो बस थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके यू कैन फिनिश ऑफ योर मेकअप। नाउ लेट्स चेक दिस इफ इट इज मच प्रूफ और नॉट। यस, इट्स मच प्रूफ एंड इसमें थोड़ा सा ग्लिटर भी है, लाइक खोल पेंसिल हैज फ्यू शिमर्स एंड ग्लिटर्स। आई एम वेरी हैप्पी विद माई परचेज, लाइक
दोनों को जो परचेस मैंने किया है बहुत ही खुश हूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि ये लिपस्टिक लगाने के बाद कैसे दिख रही हूँ तो मैं दिखाऊँ। सो दैट्स ब्रेजिन रेजिन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल शेड। तो ओवरऑल या दिस इज़ अ ग्रेट 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 पैक। अगर अभी तक चल रही है, मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी मैं एडिटिंग करके इसको अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को अगर मतलब ये अच्छा लगे तो आप लोग खरीद सकते हो। एंड डोंट थिंक कि शुगर ने मुझे ये प्रोडक्ट्स भेजे हैं, मैंने खुद के पैसों से इसे ख़रीदा है। काश शुगर मुझे भेज देते, बहुत ही अच्छा होता। लाइक यू नो PR मिलना किसको नहीं अच्छा लगता है, बट नहीं मिला है। एंड या बट आई एम वेरी हैप्पी विद बोथ माई परचेस। लाइक इसको भी मैंने ख़रीदा बहुत खुश हूँ, एंड उसको भी मैंने ख़रीदा बहुत खुश हूँ। आप लोग भी खुश रहिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया डियर तो सब्सक्राइब करो एंड बी अ मेम्बर ऑफ दिस फैमिली। एंड जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट करते आ रहे हो, थैंक्स अ लॉट टू यू गाइस, आई लव यू गाइस। एंड या ऑलवेज कीप द स्माइल ऑन योर फेस, एंड वी आर गोइंग टू मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।